हाइड्रोकार्बन का सेकेंड चैप्टर अल्कीन को शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली अल्कीन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो अनसैचुरेटेड होता है, जिसमें डबल बॉन्ड्स पाया जाता है। नॉर्मली अल्कीन का मतलब एक डबल बॉन्ड से होता है, हालांकि हम लोग ऐसे अल्कीन्स को भी डिस्कस करेंगे जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी होगा, जिसको डाइन्स ट्राइन्स कहा जाता है। ठीक है, अल्कीन्स का ही दूसरा नाम ओलिफिन्स भी है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से अल्कीन का स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्कीन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, एंड देन आफ्टर वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। बात अगर हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन की करें, आइसोमरिज्म प्रेजेंट इन अल्कीन लाइक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड अदर टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दोज प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। सो वी विल नाउ स्टडी अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अल्कीन का मतलब क्या है। अल्कीन का मतलब है एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ डबल बॉन्ड, विथ सीसी डबल बॉन्ड्स। सीसी डबल बॉन्ड्स के साथ अगर आपको एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। ठीक है, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ सीसी डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्कीन। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला की बात करें, जनरल फॉर्मूला इसका होगा CnH2n। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। ऑब्वियसली दिस इज द जनरल फॉर्मूला इफ वन पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। सिंपली अगर वन पाई बॉन्ड या कह सकते हो सीसी डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा होगा सीसी डबल बॉन्ड, तो ये रूल, ये फॉर्मूला जो होगा वैलिड नहीं होगा। एक्चुअल में हर एक डबल बॉन्ड के क्रॉसपॉन्डिंग आप दो हाइड्रोजन हटाते चले जाओगे, जो कि आपका अल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2। अगर हम दो डबल बॉन्ड देते हैं तो फॉर्मूला होगा CnH2n-2। अगर हम तीन डबल बॉन्ड देते हैं तो फॉर्मूला होगा CnH2n-4। इस तरह से जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन को लिखा जा सकता है। अल्कीन की बात अगर हम डिटेल में करना शुरू करें, तो इन अल्कीन प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड make it active towards addition reaction, electrophilic addition reaction, खासकर addition reaction which एडिशन रिएक्शन। बस इतना ही रखते हैं अभी हम लोग इन चीजों के बारे में कि किस तरह से अल्कीन पे एडिशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ये सब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन हम लोग पढ़ना व स्टडी करते हैं। देखिए प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन को हम लोग बेसिकली चार पांच मेथड से कर सकते हैं, आप बना सकते हो अल्कीन को। सबसे पहला है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को आप डिहाइड्रेट कर दो, आपको अल्कीन बन जाएगा। मतलब अगर आपके पास COH है एंड दिस वन है, इस पे आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दो,
डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दो, आपको बन जाएगा C डबल बॉन्ड C और प्लस H2O। ये जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है क्योंकि वाटर वहां पे प्रेजेंट है और वाटर एक एडिशन कर लेगा ऑन अल्कीन। जो हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए, वाटर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो है कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4, H3PO4, ठीक है, P2O5, L2O3। ये सब हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं विथ अल्कोहल। नोट में करके एक पॉइंट जानना चाहिए आपको कि हम लोग अल्कोहल के साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक CaO कैल्शियम ऑक्साइड को नहीं यूज कर सकते हैं, जबकि एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड जो है एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रखता है। जिस तरह से वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एक हाइड्रेटेड सॉल्ट बना लेता है, उसी तरह से वो अल्कोहल को भी एब्जॉर्ब करके एक अल्कोहल के साथ अल्कोहल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बना लेगा, जस्ट लाइक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। CaO इज नॉट यूज्ड टू डिहाइड्रेट अल्कोहल बिकॉज इट फॉर्म्स सॉल्वेटेड सॉल्ट, सॉल्वेटेड सॉल्ट विथ अल्कोहल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। विथ अल्कोहल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन CaO क्या करेगा, एक्स ROH के साथ कंबाइन करके बना लेगा CX ROH का होल X। तो ये आपका अल्कोहल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया है, जस्ट लाइक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसलिए CaO को यूज नहीं करें। बात अगर हम मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन की करें, ये मैकेनिज्म जो है सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन है वाटर का, जो कि E1 और E2 पाथ फॉलो करेगा डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात करें, तो आपके पास है दिस वन, इस पे अगर आपने कॉन्क H2SO4 डाला तो क्या करेगा, सबसे पहले ये प्रोटोनेट कर देगा इसको, OH2+ बना दिया, और उसके बाद क्या होगा, प्रोटोनेट करने के बाद अब ये जो सबस्ट्रेट है वो दो तरह का पाथ फॉलो कर सकता है, E1 और E2। अगर ये क्या होगा, ये E1 तब होगा इफ सबस्ट्रेट, E2 तब होगा जब सबस्ट्रेट क्या हो, इज 1 degree अल्कोहल, और E1 क्या होगा जब सबस्ट्रेट क्या हो, टू डिग्री अल्कोहल। तो E1 के काम क्या होगा, आपका यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा सबसे पहले, और इसमें तो डायरेक्ट आपका अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के बाद सेकेंड स्टेप में H+ बाहर निकलेगा और बन जाएगा C डबल बॉन्ड C।
तो अल्टीमेटली यही है कि अगर आपके पास 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल भी हम यहीं पर लिख सकते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल हो, तो आप डिहाइड्रेशन करते हुए एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हो थ्रू इवन मैकेनिज्म, और अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल हो तो आप इचू मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं। नोट में करके यहां पर एक पॉइंट ये भी लिखना है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो ये होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है सबसे पहला ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होगा, अगर हम बात करें इवन का, इवन का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और होता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोन कार्बोकेटायन, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म, कार्बोकेटायन जो बना है उसके स्टेबिलिटी के कारण क्या होगा, इवन का ऑर्डर ये होगा। बात अगर हम E2 के ऑर्डर का करें, E2 का ऑर्डर क्या होगा, गौर कीजिएगा, E2 का ऑर्डर भी क्या होता है, एक्चुअल में 3 डिग्री में ही ज्यादा होता है 2 डिग्री और 1 डिग्री, और इसको बताया गया है आपको कि क्यों ऐसा है, जब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया गया एलिमिनेशन रिएक्शन का, तो आपको बताया गया है कि ऐसा होने का कारण क्या है, ऐसा होने का कारण है मोर स्टेबल ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जो E2 एलिमिनेशन होता है उसमें एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट होता है जिसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। इस चीज को हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस किया हुआ है कि होता है। हाउएवर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है, हाउएवर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज मोर अफेक्टेड देन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी होगा उससे ज्यादा अफेक्टेड होता है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, ठीक है। हेंस इन जनरल Hence, in general, it is observed that three degree and 2 degree ROH undergo even pathway, whereas 1 degree ROH undergo E2 path। ये आपको समझ में आना चाहिए कि 1 डिग्री जो होगा E2 पाथवे करेगा, और जबकि 2 डिग्री 3 डिग्री और 2 डिग्री क्या करेगा, E1 पाथवे करेगा। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है याद रखने लायक और जानने लायक कि भले ही 1 डिग्री अल्कोहल आपको E1 मतलब E2 पाथवे फॉलो करता है जिससे कि आपको लगेगा कि इसमें कार्बोनियम आयन अरेंजमेंट नहीं होगा, लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है बिकॉज लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन H+ के प्रेजेंस में मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि हमने आपको एल्कीन में एक केस में कराया था। वही सिचुएशन यहां भी होगा, लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन बनेगा E2 पाथवे से, लेकिन जो लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा जब
आपके पास मीडियम में H प्लस है और मीडियम में आप देख सकते हो कि H प्लस आपके पास है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, हाउएवर द प्रोडक्ट कह सकते हो एल्कीन फॉर्म बाय E2 एलिमिनेशन on 1 degree RH, okay? However, the product formed by E2 elimination on 1 degree RH also undergo rearrangement in presence of H plus ion to produce आप आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हो, तो प्रोड्यूस मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, हालांकि जो प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन वो E2 एलिमिनेशन इन 1 डिग्री आवेश वो रीअरेंजमेंट कर जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस टू फॉर्म मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। जैसे देखिए अगर आपके पास दिया हुआ है CH3 CHOH CH2 CH3, कॉन्ग एस्टोसो फोर डाला, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या होगा कार्बोकेटायन बनाएगा सबसे पहले CH3CH+ और इवन पाथ पे फॉलो करेगा देन और बनेगा CH2CH3 और फिर क्या होगा H+ का एलिमिनेशन होगा फ्रॉम दिस साइड और बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, तो मोर स्टेबल हो गया क्योंकि जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना वो जो मोर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना वही मोर स्टेबल है। बात अगर हम 1 डिग्री आवेज का करें इस पे अगर हम कॉन्ग एस्टोसो 4 डालते हैं तो यहां पर E2 एलिमिनेशन होगा और E2 एलिमिनेशन होते हुए आपको प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा सीधा सीधा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन आगे जो गौर करने वाला पॉइंट वो ये है कि अगर आप इस पे H प्लस ऐड करते हो अब इसको जुड़ेगा और बन जाएगा CH3 CH2 CH प्लस और फिर CH3। ठीक है, CH3 CH2 CH+ और CH3 एंड देन आफ्टर इस पे फिर आप H+ को रिमूव करोगे, ऑब्वियसली अब H+ क्या होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन के कॉरस्पॉन्डिंग निकलेगा, वो ऐसा अल्कीन बनाएगा जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो और ये जो अल्कीन बन गया वो क्या हो गया मोर स्टेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका जो 1 डिग्री एवरेज टू डिग्री एवरेज से जो है मोर स्टेबल एल्कीन बन रहा है, 1 डिग्री एवरेज से भी क्या होगा मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा, भले ही आपको जो डायरेक्ट E2 प्रोडक्ट है वो क्या है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो आपको यही बताया जा रहा है जब भी आपके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो क्या होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में बदल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। ठीक है, तो भले ही मैकेनिज्म थोड़ा अलग है लेकिन प्रोडक्ट फाइनली दोनों का सेम ही है। अब देखिए ड्यू टू कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ईज ऑफ
डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होगा, क्या होगा, 3 डिग्री ROH, 2 डिग्री ROH एंड देन आफ्टर 1 डिग्री ROH। ऐसा इसलिए बिकॉज आप जानते हो कि 3 डिग्री आर्केटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एंड देन 2 डिग्री आर्केटाइन एंड देन 1 डिग्री आर्केटाइन। आपके पास, आप ये बहुत अच्छे समझते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात जहां तक करें तो हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन उससे कम एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और कम। अब देखिए हमने ये आपको बताया कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो आपको E2 पाथवे करेगा। हालांकि अगर 1 डिग्री अल्कोहल के केस में बीटा हाइड्रोजन अब्सेंट है, ठीक है, इन जनरल 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री ROH अंडरगो E2 डिहाइड्रेशन, ठीक है, E2 डिहाइड्रेशन जाता है। हालांकि हाउएवर इफ देर इज नो बीटा हाइड्रोजन, देन 1 डिग्री ROH अंडरगोज E1 डिहाइड्रेशन। अगर बीटा हाइड्रोजन हो ही नहीं तो हमारी मजबूरी है कि हमको इसमें क्या करना होगा, 1 डिग्री डिहाइड्रेशन करना होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस केस, आपने कॉम H2SO4 डाला, ये साफ दिख रहा होगा आपको कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल होने के साथ साथ आप इस बात को गौर कीजिएगा कि यहां पे आपके पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जब बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो मजबूरी है इसकी कि इसको E1 इलिमिनेशन ही करना होगा, E2 इलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इलिमिनेशन हो गया इधर। अब जब बीटा इलिमिनेशन हो गया तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो गया कार्बोकेटायन में CH3 और CH2 प्लस। अब आपको क्या होगा, मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करेगा, CH3- शिफ्ट हो रहा है, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट जो आप जानते होंगे आपको बताया गया है इन रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और आपको बन जाएगा दिस वन CH3 CH3 प्लस और CH2 और CH3। अब आप क्या करोगे, H प्लस को निकालोगे, ऑब्वियसली इधर से H प्लस निकलेगा, इधर से H प्लस निकलेगा, बिकॉज इधर से अगर आप H प्लस निकालते हो तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दिस वन बनेगा। तो ये जो है आपका, आप देख सकते हो कि E1 डिहाइड्रेशन का केस है जिसमें कि कार्बोनियम भले ही 1 डिग्री ROH है, लेकिन सिंस इसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इसको मजबूरी में 1 डिग्री E1 इलिमिनेशन करना पड़ा, और कार्बोकेटायन जो बना उसका रीअरेंजमेंट होते हुए मोर स्टेबल अल्कीन बना, ठीक है। अब एक बात और नोट में करने लायक है, वो ये है कि अगर आपके पास जो डिहाइड्रेशन है वो इंट्रामोलेकुलर है तब तो वो अल्कीन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अगर डिहाइड्रेशन को हम लोग इंटरमोलेकुलर कर दें तब वो ईथर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आप मान लिया आपने ये एक मॉलिक्यूल लिया, इसको आपने इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन कराया, तो आपको बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2,
और अगर आपने इसको इंटरमोलेकुलर डिग्रेडेशन कराया, इंटरमोलेकुलर डिग्रेडेशन कराया तो ये बन जाएगा आपका ईथर। आप इस बात को गौर कर सकते हो कि जो ये मॉलिक्यूल है, ये अल्कोहल है, वो क्या होगा, वो बन जाएगा अल्कीन में अगर आपने इंट्रा मोलिकुलर डिहाइड्रेशन कराया, और वो बन जा रहा है ईथर अगर आप इंटर मोलिकुलर डिहाइड्रेशन करा रहे हो। ठीक है, नोट में करके इस पॉइंट को लिखना है आपको। गौर कीजिएगा कि इंट्रा मोलिकुलर डिहाइड्रेशन, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन इज फेवर्ड बाय, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन इज फेवर्ड बाय 1 डिग्री फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 जो आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन इज फेवर्ड बाई हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर होगा और लो कंसंट्रेशन होगा H2SO4 का, तब इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन फेवर होगा। और इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, जब मॉलिक्यूल आपस में नजदीक हो पाएगा, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। ठीक है, अगर आप देखिए सिंपल याद रखने का तरीका यही है, अगर आप हाई टेम्परेचर करोगे तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के वेसिनिटी में बहुत कम समय रहेगा और इसलिए इंटरमोलिकुलर होने का चांस बहुत कम होगा, इसलिए इंट्रामोलिकुलर होगा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल एक तरह से आइसोलेटेड की तरह बिहेव करेगा आपका, और इसलिए इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अब देखिए, हमने जो डिहाइड्रेशन पढ़ा है वो वन मतलब सिर्फ मॉलिक्यूल में एक अल्कोहल था उसका पड़ा है। अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा OH ग्रुप और एट विशनल पोजीशन हो, अगल बगल में प्रेजेंट हो, तब क्या होता है, तब एक रिअरेंजमेंट होता है जिसको कि हम लोग पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स हैविंग विशनल डायोल मतलब 1,2-diol अंडरगो पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन, और इन प्रेजेंस ऑफ H+ ion या फिर H+ ion के प्रेजेंस में क्या होगा, ये करें। तो हम लोग को पढ़ना है पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट, हम लोग पढ़ेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट क्या है। एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं CH3 CH3 CH3, दिस वन CH3 CH3 एंड OH,
और इस पे अगर हम कॉम H2SO4 डालते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 एंड CH3। इसी को कहा जाता है पिनाकोल और इसी को कहा जाता है पिनाकोलोन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बात अगर हम इसके मैकेनिज्म का करें तो मैकेनिज्म आप इस तरह से लिख सकते हो, आपके पास CH3 CCS3, दिस इज OH एंड देन CH3 CH3 एंड OH। जब आप इस पे H+ ऐड करोगे तो यहां पर क्या होगा, OH2+ जनरेट होगा और OH2+ जनरेट होने का कारण क्या होगा, इधर रिमूव हो जाएगा एंड देन यू विल हैव CH3 CCS3 OH एंड C प्लस और CH3 और CH3। अब क्या होगा, क्योंकि कार्बोकेटान है तो कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट होगा, ये H इधर आएगा और एक ग्रुप वो क्या होगा मिथाइल ग्रुप क्या होगा माइग्रेट कर जाएगा, तो CH3 ग्रुप का माइग्रेशन हुआ है, CH3 ग्रुप का माइग्रेशन हुआ है जिससे कि आपको बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 एंड CH3। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट जो कि आप देख सकते हो कि यही आपका प्रोडक्ट बना है। तो अल्टीमेटली इस रिएक्शन में पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में आपका H2O वहां निकल रहा है और उसके बाद जो कार्बोकेटायन बन रहा है उस पर कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट हो रहा है फ्रॉम एडजेसेंट पोजिशन। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं पीएच हम लोग लेते हैं पहले भी CH3 OH और CH3 और पीएच और OH। हम इस पर अगर आप H+ ऐड करें तो आपको बनेगा OH2+, ये बाहर निकला, दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है इसलिए आप कहीं से भी ये कर सकते हो pH CCS3 OH and then this will equal to plus and then this will equal to CH3 or pH। अब क्या होगा, ये ग्रुप इधर आएगा और ये ग्रुप क्या होगा माइग्रेट कर जाएगा यहां पर, अल्टीमेटली आपके पास बन जाएगा pH, आपके पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और देख सकते हो आप कि यहां पर CH3 पीएच और पीएच का ये हुआ एडिशन हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपके पास सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकल रहा है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से एंड देन जो कार्बोकेटायन बन रहा है उस पे क्या हो रहा है एडजेसेंट पोजीशन से जो आपका ग्रुप है वो अटैक कर जा रहा है ऑन कार्बोकेटायन। तो दिस इज द फेनोमेना थ्रू विच यू कैन फॉर्म पिनाकोलोन फ्रॉम पिनाकोल। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल आपको लेते हैं। अगर आपके पास है पीएच सी पीएच और ओएच और सीएसथ्री और सीएसथ्री और ओएच, अगर आप यहां पे करवाना चाहोगे रिएक्शन तो गौर कीजिएगा कि आपको इस तरह में जब आपके पास अलग अलग, अभी तक जो हमने पहला और दूसरा केस लिया था उसमें दोनों OH जो था वो सिमेट्रिक कार्बन पे था, जैसा ये कार्बन पे था वैसा ही कार्बन पे था, लेकिन अब हम लोग जो OH ले रहे हैं वो डिसिमेट्रिक कार्बन पे, वो अलग अलग कार्बन पर है। तो अलग अलग कार्बन पर अगर होगा तो आपको ऐसे पोजीशन पे कार्बोकेटायन बनाना चाहिए जहां पर आपका जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। आप इसे समझ सकते हो कि कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल यहां पर बनेगा और इसलिए हम यहीं पे क्या करेंगे OH2+ बनाएंगे और प्लस यहां बन गया और बन जाएगा C
OH, CS3 और CS3, और फिर एडजेसेंट पोजीशन का जो OH है वहां से हाई H प्लस शिफ्ट करेगा और ये ग्रुप यहां पे माइग्रेट कर जाएगा, आपको बन जाएगा PH, CPH, CS3, C डबल बॉन्ड O और CS3, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, जो कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने यहां पर OH2 प्लस क्यों बनाया, क्योंकि जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो मोर स्टेबल बन रहा है, ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। अगर कोई स्टूडेंट यहां पर OH2 प्लस बनाता है तो यहां पर जो प्लस बनेगा वो उतना स्टेबल नहीं होगा जितना कि यहां पर है। पीएच फिनाइल रिंग आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटायन को थ्रू डिजोनेंस। अगर हम आपको फिर और केस लेते हैं, CS3, CCS3, OH, और फिर क्या करते हैं CS3, H और OH, और इस पे हम H प्लस ऐड करते हैं, फिर वही बात होगा OH2 प्लस बनेगा, ये ग्रुप बाहर चला गया, अल्टीमेटली आपके पास बन गया कंपाउंड CS3, CS3 प्लस, और उसके बाद हो जाएगा CS3, H और OH, H और OH। आप देख सकते हो ये ग्रुप इधर जाएगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का माइग्रेट एम्पलीट्यूड ज्यादा है इसलिए वो माइग्रेट कर जाएगा, बन जाएगा CS, CS3 और C डबल बॉन्ड O और CS3। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट आपका माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप एट एडजेसेंट पोजीशन ऑफ कार्बोकेटायन से ही बन रहा है। एक्चुअल में यहां पे माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड को ध्यान रखना जरूरी है, माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड हमने आपको कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट में बताया था, जिससे कि आपको ये बताया गया था कि किस ग्रुप का माइग्रेशन ज्यादा आसानी से होगा और किस ग्रुप का माइग्रेशन ज्यादा आसानी से नहीं होगा। अगर हम एक ग्रुप लेते हैं, इस तरह का कंपाउंड लेते हैं, अगर हम इस तरह का एक कंपाउंड लेते हैं OH OH, और इस पे अगर हम H+ ऐड करते हैं तो होगा ये आपको कि दिस वन ये बनेगा OH2+, और यहां पर OH है और यहां पे बगल में हाइड्रोजन, होगा क्या ये बाहर निकल जाएगा और फिर क्या होगा ये बॉन्ड इधर आएगा। पहले इसको कार्बोकेटायन बना लेते हैं, और आपके पास बन रहा है दिस वन प्लस एच और ओ एच, ठीक है, और ये बॉन्ड जो होगा इधर चला जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है हाइड्राइड यहां पर शिफ्ट कर जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा दिस वन। तो आप देख सकते हो कि आपके पास हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, एच माइनस शिफ्ट हुआ है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड हाइड्राइड का सबसे ज्यादा होता है। अगर हम इसी तरह का एक और केस लेते हैं जिसमें कि हम आपको OH और CS3 कर दें, OH और CS3 कर दें, और इस पे अगर हम H+ रिएजेंट को लाए नजदीक तो क्या होगा। अगर हम इस रिएक्शन को गौर करेंगे तो इस रिएक्शन में क्या होगा, फिर वही स्टेप, बिल्कुल वही स्टेप, आपके पास OH2+ CS3 है, OH2 प्लस है, उसके बाद OH है और फिर CS3 है, ये ग्रुप बाहर निकल गया, ये ग्रुप बाहर निकल गया, आपके पास कार्बोकेटायन बन गया दिस वन, आपके पास प्लस बन गया, आपके पास है OH और आपके पास है CS3। गौर कीजिएगा फिर माइग्रेशन होगा और ये ग्रुप इधर आया, ये ग्रुप जो है आपका हाइड्राइड इधर शिफ्ट किया, अब क्या होगा यहां से ग्रुप शिफ्ट करेगा इस कार्बन से। जैसा कि आपको पता होगा कि माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन का, उसके बाद पीएच का, एलाइल ग्रुप का, एंड देन आफ्टर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एंड देन आफ्टर सबसे लास्ट में मिथाइल ग्रुप। तो क्या होगा ये ग्रुप यहां से जो ग्रुप है ये ग्रुप क्या होगा यहां से यहां शिफ्ट करेगा,
ये ग्रुप यहां से यहां शिफ्ट करेगा और उसके बाद जब ये ग्रुप यहां से यहां शिफ्ट करेगा क्योंकि ये 1 डिग्री है, माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो आपको माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड रिलेटिव कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, रिलेटिव कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप व्हिच टेल्स अबाउट कैपेसिटी ऑफ दैट ग्रुप टू माइग्रेट एट नियर बाय कार्बोकेटायन इन कार्बोनियम आयन अरेंजमेंट। तो कार्बोनियम आयन अरेंजमेंट में आपको पता है 3 डिग्री आर का सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री आर का, उसके बाद 1 डिग्री आर का, उसके बाद सबसे कम मिथाइल का, मतलब अमोंग हम लोग अमोंग जो है अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में ऑर्डर होता है, एक्चुअल ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का, उसके बाद पीएच का, लगभग लगभग एलाइल का सेम, मतलब दिस वन एलाइल नहीं कर सकते इसको, विनाइल ग्रुप कर सकते हैं, उसके बाद 3 डिग्री आर, उसके बाद 2 डिग्री आर, उसके बाद 1 डिग्री आर और सबसे कम CH3 का। तो गौर कीजिएगा कि इस यहां पर जो माइग्रेशन हो रहा है उसमें एक CH3 और एक 1 डिग्री है, तो हम लोग 1 डिग्री को माइग्रेट करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि 1 डिग्री को माइग्रेट करने का मतलब है कि आपको रिंग टूटेगा, और रिंग टूटेगा तो आप देख सकते हो कि आपके पास 5 को आप 1 से जोड़ रहे हो, तो 5 मेंबर रिंग बना, आपने 5 को 1 से जोड़ा। जब भी रिंग तोड़ा जाता है या बनाया जाता है आपको नंबरिंग करना जरूरी होता है ताकि आप आसानी से कर सकें। आपने 5 को 1 से जोड़ दिया और गौर कीजिए तो 1 से 1 पे एक तो आपके पास CH3 ग्रुप है और 1 से 6 भी जुड़ा हुआ है जिसपे क्या है दिस वन। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट व्हिच इज ऑब्टेंड बाय पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसी तरह से आप पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कराओगे जब आपके पास कोई जब आपके पास एडजेसेंट पोजीशन पे अल्कोहल हो तो आपको माइग्रेशन इसी तरह से कराना होता है। माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड को देखते हुए आप क्या करोगे, यहां पे OH रखा, यहां पे CH3 रखा, यहां पे OH रखा, यहां पे CH3 रखा, और फिर हमने क्या किया इस पे हम आपको CH3 यहां C2H5 हम यहां पे कर रहे हैं, ठीक है, और यहां पे हम CH3 कर रहे हैं। अब फिर वही हम H+ करेंगे, तो H+ करने के बाद क्या होगा, सिचुएशन ऐसा होगा आपके पास है OH, आपके पास है CH3, आपके पास है OH 2+ और आपके पास है CH3 और फिर C2H5। इस केस में दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, आप यहां पे करोगे तो प्लस यहां बनेगा, ये जो प्लस बन रहा है वो कम स्टेबल है, आपको ये समझ में आना चाहिए क्योंकि ये जो प्लस बन रहा है इसमें आपको जो हाइपर कंज्यूमेबल हाइड्रोकार्बन होगा वो कम होगा, वो आपको दिखेगा। आप कार्बोकेटायन बनाइए तो आपको यहां पे हमने कार्बोकेटायन बनाया, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, और उसके बाद आप गौर कीजिएगा आपके पास है दिस वन, आपके पास है CH3, आपके पास है CH3, ये बन गया आपके पास प्लस, ये है CH3 और ये है C2H5। बात अगर हम यहां से ग्रुप को इधर शिफ्ट करने का करें तो ये वाला ग्रुप इधर शिफ्ट करेगा क्योंकि आप जान रहे हो कि CH3 से ज्यादा माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड होगा इस पार्टिकुलर ग्रुप का जो कि क्या है 2 डिग्री है। तो अगर ये 2 डिग्री है तो आप क्या करोगे, नंबरिंग कर लेते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 1 को 6 से जोड़ रहे हो, आप 6 को 1 से जोड़ रहे हो, 1 से 2 3 4 5 है, 5 पे आप देख सकते हो C2H5 है, 6 पे आप देख सकते हो CH3 है, 1 पे आप देख सकते हो एक आपके पास CH3 है, और 1 पे ही आपके पास क्या होगा COCH3 होगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड बाय पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो आप देख सकते हो कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम लोग अल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में मात्र 1 प्रेजेंट हो। अगर एडिशनल डायोल प्रेजेंट होगा, मतलब 1-2 डायोल प्रेजेंट होगा, तो आप अल्कीन की बजाय आपको कीटोन ग्रुप ऑब्टेन हो जाएगा, कीटोन कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहला प्रिपरेशन मेथड पढ़ा अल्कीन प्रिपरेशन का,
आगे हम लोग अगले क्लास में कुछ और प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, एल्कीन प्रिपरेशन का।